अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MTS न्यूज नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। CPM पार्टी की जानिब से गुड्डी मलकापुर पिलर नंबर 65 पर महंगाई के खिलाफ पुरजोश एहतजाज किया गया। अरशद अहमद नामपली जोन CPM पार्टी के मेंबर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेंट्रल की जानिब से बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। अवाम दिन रात बढ़ती महंगाई से काफ़ी परेशान है। रोज कमा कर खाने वाले गरीब लोग इस बढ़ती महंगाई से भूखा गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने गैस की कीमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 800 रुपये गैस सिलेंडर पर इजाफा करते हुए 200 रुपये की बचत की गई। इन्होंने कहा कि अगर CPM पार्टी के इस एहतजाज के मुतालबों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो CPM पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर रोडों पर एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर CPM पार्टी के लीडर्स M. मल्लेश, अरशद अहमद, वेंकट एन शंकर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद मनाजर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए MTS न्यूज नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आज CPM पार्टी नामपली जोन की तरफ से गुड्डी मलकापुर पिलर नंबर 68 के पास प्रोटेस्ट किया गया है। पूरे हिंदुस्तान भर में महंगाई के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की महंगाई के खिलाफ जो है सो धरना प्रोटेस्ट किया गया है। ये हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इन्हों गैस पे रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिया, डीजल पे रेट बढ़ा दिया, और कॉरपोरेटर अडानी अंबानी वालों को 50% GST कम लगा दिए, और जो है सो मिडिल क्लास फैमिली वालों को जो है सो 100% पूरा टैक्स वसूल कर रहे। ये रोज़ कमा के जीने वाले किधर जाना, अभी इन्हों गैस के ऊपर 200 रुपये कम करा बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बताए। ठीक है, आप 800 रुपये गैस पे बढ़ा दे के 200 रुपये कम करते जी, आपको थोड़ा शर्म होना सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को। हाँ, 200 रुपये जो है तो कम करके 800 रुपये बढ़ा दे के 200 रुपये कम करते। हम जो है तो वे महंगाई के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रोटेस्ट किए हैं, और CPM पार्टी की तरफ से अगर ये बात को हमारा नहीं माने तो हम बड़े पैमाने पर रोड पर निकल के एहतजाज करेंगे। मैं अरशद अहमद, CPM पार्टी नामपल्ली जोन कमेटी मेंबर। ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్నటువంటి ధరలకు నిరసనగా బీజేపీ ప్రభుత్వం గత 9 సంవత్సరాలుగా అనేక విధాలుగా 200 రేట్లు ఈరోజు ధరలు పెంచినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ధరలను తగ్గించాలని చెప్పి దేశవ్యాప్తంగా CPIM పార్టీ పిలుపునిచ్చింది నిరసన కార్యక్రమాలకు। దానిలో భాగంగానే నాంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఈ నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది। ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం వెంటనే దిగి వచ్చి పెరుగుతున్నటువంటి ధరలను తగ్గించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా 9 సంవత్సరాలుగా ఈరోజు ప్రజలను అడ్డిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు మనం చూస్తున్నాం, ఎన్నికలు వచ్చినాయని చెప్పి 9 సంవత్సరాలుగా పెరిగినటువంటి గ్యాస్ ధరను 800 పెంచారు, దాన్ని 200 తగ్గించి ఈరోజు పబ్బం గడుపుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు ప్రజలను మభ్యపెట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది, డబుల్ బెడ్రూమ్ అని చెప్పి ప్రజల మధ్య చిచ్చులు పెడుతున్నటువంటి సందర్భం ఉన్నది। కాబట్టి ఏదైతే నిరుద్యోగత పెరిగిపోయింది, ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు 2 కోట్లు ఇస్తామని చెప్పారు, కానీ ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు। ఈరోజు ప్రభుత్వ సంస్థలు అన్నీ కూడా అమ్ముకున్నటువంటి పరిస్థితి, ఈరోజు రైల్వే కానివ్వండి, విమానాలు కానివ్వండి। అదేవిధంగా ఆజ్ CPM పార్టీ కే తరఫ్ సే రేతి బోలిపే जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ, और नौजवानों को पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको नौकरियां देते बोल के हमारे KCR साहब और नरेंद्र मोदी साहब वादा करे हैं, बड़े बड़े वादा करे हैं, आज तक उसका कुछ मसला हल नहीं हुआ है, वैसे पड़ा हुआ है। आज देखे तो डीजल और पेट्रोल गैस के ऊपर, मीठा तेल, कल तक टमाटे का क्या रेट था सबको मालूम है। हिंदुस्तान के आवाम से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये लोग जो कुर्सी पे बैठे, पहले जो बैठने से पहले जो वादे करते हैं, झूठे वादे, झूठे बातें जो आवाम के सामने फेंक देते हैं, और इलेक्शन के सामने जो वादे करते हैं वो सब झूठे रहते हैं। इन्हों मोदी साहब ने बहुत बड़े बड़े बातें करे हैं, 15 लाख रुपए एक एक आदमी को देता हूँ बोले, वो भी चले गया। उसके बाद कई हज़ारों नौकरियाँ जो देते बोले थे वो भी चले गया। दूसरी बात यह है कि अब हिंदुस्तान में KCR साहब हमारे स्टेट में बैठे हुए, अभी इलेक्शन आ रहा, पब्लिक के आवाम के मसला जो है, आवाम के CPM पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है जो
गैस के ऊपर कम कर रहे हैं। आप 800 रुपये बढ़ा देखिए, 200 रुपये कम करके कहा जाता है कि थोड़ा तो बीजेपी गवर्नमेंट को थोड़ा अकल रहना, थोड़ा शर्म पकड़ना। हाँ, आप 800 रुपये बढ़ा देखे, 200 रुपये कम कर रहा। और कॉर्पोरेट वालों को 50% टैक्स माफ करे और मिडिल क्लास वालों को 100% टैक्स इशू करे। पेट्रोल का दाम से कम नहीं कर रहे, डीजल का दाम से कम नहीं कर रहे। रोज काम करके जीने वाला गिर जाना। हम इसीलिए आज सीपीएम पार्टी की तरफ से इधर श्री ममता के पास हम नाम बोली कमेटी